पहले बात करते हैं टर्की और सीरिया की, जो सबसे बड़ी तबाही को लेकर इस वक्त दुनिया के सामने खड़ा है। दोनों देशों में अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हर बीतते घंटे के साथ जिंदगी की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। लेकिन अब भी मलबे से सांसों की तलाश की जा रही है। शहर के शहर वीरान पड़े हैं। भारत समेत दुनिया भर के देश युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारतीय सेना टर्की के साथ इस मुश्किल की घड़ी में खड़ी नजर आई है। टर्की सीरिया में बर्बादी की 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टर्की में करीब 18,000 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं सीरिया में 3,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दोनों देशों में कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। हर तरफ सिर्फ ईंट पत्थर के ढेर नजर आ रहे हैं और अस्पतालों में चीख पुकार मची हुई है और सबके जहन में ये है कि उनके अपने किसी भी तरह से सही सलामत रहें। रेस्क्यू के लिए लगातार जिंदगी की तलाश हो रही है। कई बच्चे 60 से 70 घंटे बाद भी मलबे से बाहर निकाले गए हैं और यही वजह है कि लोगों की उम्मीद टूट नहीं रही है। टर्की से अब तक सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहा है। ऐसे में भारत के ऑपरेशन दोस्त मिशन के तहत सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आया है। तस्वीरें तुर्की के अलग अलग शहरों की अब आप देख रहे हैं। भारतीय सेना युद्ध स्तर पर ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि मैं रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सेना के फील्ड हॉस्पिटल लगातार लोगों के इलाज कर रहे हैं। भारतीय सेना के डॉक्टर बिना रुके बिना थके पीड़ितों को सहायता दे रहे हैं। भारत की इस मदद से स्थानीय लोगों की आंखें नम हैं और वो मुसीबत की इस घड़ी में इंडियन आर्मी की मदद से बेहद खुश हैं। भारत की तरफ से कपड़ों से लेकर जरूरी सामान की खेप पहुंचाई गई है, जिसमें दवाएं हैं, खाने पीने का सामान है, टेंट हैं। बेघर हुए लोगों को रोक टोक और बिना किसी की परेशानी के सामान मिल रहा है, जो इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा चाहिए। ठंड से बचने के लिए एक छत चाहिए, ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, दवाइयां चाहिए, सब भारत की ओर से दिया जा रहा है। टर्की में भारत का ऑपरेशन दोस्त खुशियां बिखेर रहा है, जिसकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर एक भारत की महिला डॉक्टर को एक टर्किश महिला चूमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी बचाई उनकी और उनके सामने किसी ईश्वर से वो कम नहीं है, लेडी डॉक्टर। इंडियन आर्मी की मेडिकल टीम में शामिल मेजर बीना तिवारी लगातार पीड़ितों का इसी तरह से दिन रात इलाज करने में जुटी हुई है। ट्रीटमेंट को पाने के बाद एक स्थानीय महिला ने ये तस्वीर खिंचवाई थी, जो हम आपको दिखा रहे थे, और यही है डॉक्टर वीना, जो फील्ड हॉस्पिटल में इस वक्त भारत की ओर से मदद के लिए पहुंची है टर्की के लोगों के लिए, जो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लगातार 60 से 70 घंटे मलबे से जिन लोगों को निकाला जा रहा है, उनके लिए इस वक्त भारतीय डॉक्टर्स देवदूत बनकर सामने आए हैं। उनके लिए वो लगातार सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं, बिना थके काम कर रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपचार पहुंचाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाया जा सके। इंडियन आर्मी की मेडिकल टीम में शामिल वीना तिवारी सेना में मेजर के पद पर हैं। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मेजर वीना तिवारी से बात की और उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल, इन्हें देवदूत भी कहते हैं, उसकी वजह है इनके बुलंद हौसले और साथ में ये वो मैरून बैरे हैं, यानी मैन अपार्ट एवरी मैन इज एन एम्परर के वो चेहरे हैं जो इलाज करते हैं, यहां तक कि दवा देते हैं और उनको ठीक करते हैं। कोरिया युद्ध के दौरान भी 1950 में सबसे पहले रिस्पोंडर यही थे। आज उन्हीं का चेहरा है मेजर बीना तिवारी। जब लेडी आई वो यहाँ की, आपके गले लग गए, कैसी अलग फीलिंग थी, बिल्कुल मत समझ नहीं आया होगा कि ये क्या हो गया। दोनों तरफ मुस्कुराहट, उनकी आंखों में आंसू, बहुत आंखें नम, बहुत ही ओवरवेलमिंग सी फीलिंग थी। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पेशेंट्स इतना खुश होंगे हमारे इलाज से या हमारा ये सेटअप देख के। और जब से हम टर्की में आए हैं, मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ सब लोग बहुत हेल्पफुल हैं और बहुत खुश हैं कि हम लोग यहाँ पे आए हैं उनकी मदद के लिए। तो 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल पहले भी काफ़ी जगहों पे जा चुका है, जैसे कि नेपाल अर्थक्वेक में भी वो गया था एंड उससे पहले भी बहुत सारे ऑपरेशंस में गया है। तो मेरे लिए ये पहली बार एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि मैं 60 पैरा का पार्ट बनी, और पार्ट बनने के बाद मेरे को ऐसा एक जगह पे आने का मौका मिला जहाँ मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ। सो मैं एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माय सीनियर्स, माय सीईओ कर्नल यदुवीर सिंह सर एंड माय अदर सीनियर्स आल्सो। मैं खुद देख रहा था कि एक 21 साल की लेडी जो कि डेब्री से निकली 48 आवर्स के बाद, एक 13 साल की बच्ची जो 72 घंटे के बाद निकली, एक वो लेडी जो आँख रो रही थी वो और गले लग गई, एक
कचोटता है मन में, उसमें क्या फीलिंग थी और जब आपसे बातें शेयर कर रही थी कि आपने बचा लिया? मुझे काफ़ी पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट हूँ, इंडियन आर्मी एंड टू बी स्पेसिफिक 60 पैराफील हॉस्पिटल, कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे और उन्होंने मतलब इतना अच्छा पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया कि पेशेंट इतना खुश हुए, तो बहुत ही ओवरवेलमिंग था वैसे उस समय, मतलब काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सा, लाइक आई वाज आल्सो सरप्राइज बाय दी पेशेंट्स रिएक्शन, आई वाज वेरी हैप्पी एंड मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी क्योंकि उनका पेन इतना ज़्यादा था इतनी सारी चीज़ों से, और उस पेन से वो बाहर निकल के हमें थैंक यू बोल रहे हैं, मतलब और हमारे लिए हमें भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो काफ़ी ओवरवेलमिंग सा फीलिंग था। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, बैक होम कितनी खुशी होती है? आप थर्ड जनरेशन ऑफिसर हैं, कौन कौन आपके यहाँ भारतीय सेना का हिस्सा थे और आपके हस्बैंड भी आर्मी में हैं, और कितना बैक होम एक गर्व प्राउड फीलिंग होती है? हाँ, एक फ़ौजी फैमिली की मैं पार्ट हूँ और बहुत अच्छा, मेरे दादाजी फ़ौज में थे, मेरे फादर फ़ौज में थे और मेरा हस्बैंड भी फ़ौज में है, मेरे ससुर जी भी फ़ौज में थे, तो मैं एक पूरा बिल्कुल होल सोल आर्मी की ही फैमिली में हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर एंड माय फादर इन लॉ, दे आर वेरी थैंकफुल टू दी इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज उनकी वजह से आज हम इस मुकाम में हैं कि उनके बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, सो दे आर ऑलवेज वेरी थैंकफुल। और मैं भी काफ़ी खुश हूँ इस चीज़ से कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनी जिसमें मेरे दादाजी ने और मेरे फादर ने और मेरे फादर इन लॉ ने काम किया है। और ये मेरून बेरे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कहते हैं ना, मैंने पार्ट, एवरी मैन इज एन एम्परर, तो आप एम्परर हैं बिल्कुल। दिस इज बिकॉज ऑफ द 60 पैराफील हॉस्पिटल ओनली दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। तो एक चैलेंज भी है कि सबका वैसे ही इलाज करना है, मैंने देखा इन लेडी का भी आपने वैसे ही उनसे बातचीत की, वो छोटी बच्ची को भी बहुत आप मॉनिटर कर रही हैं। ये सारा सिखलाई मतलब मेरे सीनियर्स की है जो मेरे ऊपर स्पेशलिस्ट हैं, मैं अभी सिर्फ मेडिकल ऑफिसर हूँ, आई विल बी अ स्पेशलिस्ट वन डे, तो मेरे ऊपर जो सर्जन, एनेस्थेटिस्ट जो भी यूनिट के पार्ट हैं, ये सब उन्हीं की सिखलाई है जो मैं अभी पेशेंट्स को ट्रीट कर रही हूँ, वो सारी सिखलाई मुझे हेल्प कर रही है। और ये मेजर बीना तिवारी हैं, हालांकि चैलेंज इस बात का है क्योंकि वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, वेदर में एक्लिमेटाइज होना है, यहाँ के लोगों के साथ जो लैंग्वेज बैरियर है उसको पार पाते हुए एक सुखद तस्वीर जिसमें मेजर बीना तिवारी एक बुज़ुर्ग महिला को गले से लगा रही हैं और वो महिला कह रही है इनको धन्यवाद। और यही है ऑपरेशन दोस्ती, भारत का वो सपोर्ट जो इस समय टर्की में मौजूद है। और टर्की में भूकंप के बाद आज चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इमारतों के मलबे में दबे लोगों को अभी भी तलाशा जा रहा है और करीब 60 घंटे तक फंसे एक बच्चे को अंदर से निकाला गया जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। तो जिंदगियों को तलाशने की लगातार कोशिश की जा रही है, आप देख सकते हैं कि क्योंकि एक के बाद एक इमारतें, बहुमंजिला इमारतें गिरी थी, इसलिए धीरे धीरे करके नीचे तक पहुंचना पड़ रहा है जो नीचे के फ्लोर्स हैं और तब जाके वहां से कई लोगों को बचाया जा सका है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो नीचे के जो फ्लोर्स में थे वो अभी भी शायद इस उम्मीद में है कि उनको कोई बचाने आएगा। टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन राहत बचाव काम पर नजर बनाए हुए, उन्होंने पीड़ित लोगों से मुलाकात की, राहत शिविरों का दौरा किया और हर किसी को मदद किया, भरोसा दिया है। लेकिन टर्की की मदद के लिए अब पूरी दुनिया से भी लगातार मदद आने लगे, जिस तरह से भारत ने वहाँ पर कैंप्स लगाए हैं, मेडिकल कैंप्स हो, राहत कैंप्स हो और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, उसी तरह से हर एक ओर से इस वक्त मदद पहुँच रही है टर्की के लिए और प्रार्थनाओं के साथ साथ लोग ये भी देख रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से जिंदगियों को बचाने के लिए 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन में लोग लगे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक राहत कैंप में पहुंचे हैं एर्दोगन जो कि राष्ट्रपति हैं टर्की के, जहां पर उन्होंने प्रार्थना की, उसके बाद वहां पर लोगों को के लिए जो खाने पीने का इंतजाम किया है उसका भी जायजा लिया। टर्की में आए भूकंप से हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं, मौसम की मार झेल रहे हैं। टर्की में अब मौसम भी एक बहुत दिक्कत बनकर सामने आ रहा है लोगों के लिए, ऐसे में भारत की तरफ से गर्म कपड़े, इसके साथ ही साथ टेंट्स, राहत सामग्री, खाने पीने का सामान और दवाइयां भेजी गई हैं। इसको लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल भारतीय सेना का जो है स्कांद्रू में, उसका ये प्रेमाइसिस है, यहाँ पर जो क्लोदिंग्स लेकर आए हैं वो रखी गई है ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को, बच्चों को, उनके परिवार के लोगों को कपड़े दिए जा सके, क्योंकि ठंड का वक्त है, टेम्परेचर -5 तक जा रहा है और ये छोटा बच्चा इस समय अपने लिए कपड़े देख रहा है, उसके अलावा परिवार के लोग हैं, छोटी बच्चियां हैं, यहाँ पर कपड़ों के साथ साथ जो नेसेसरी क्लोदिंग है वो सब यहाँ पर रखा गया है ताकि ये लोग
उसका इस्तेमाल कर सकें। ठंड में इस समय जहां अपने घरों से ये बेघर हो चुके हैं, तो ये अपने घरों से जो बाहर इस समय अलग अलग कैंप्स में रह रहे हैं, भारतीय सेना के द्वारा भी एक छोटा सा 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस के अंदर ही यहां पर सेटअप किया गया है। वहां से कपड़े लेकर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ये भारतीय सेना के वो 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल के जवान हैं जो इस समय स्कांदरू में मौजूद हैं, और ये अपने घरों से दूर इस समय टर्की के लोगों की मदद करने के लिए यहां पर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो छोटे बच्चे, परिवार के लोग दूध मुंह बच्चे को लेकर आए हैं ताकि उसके लिए कपड़े मिल सके। यहां प्राथमिकता इस समय कपड़ों के साथ खाने की है, रसद की है, इसलिए सब कुछ मुहैया करवाया जा रहा है। ये ऑपरेशन दोस्ती है, भारत और टर्की की दोस्ती का ये एक और नया पड़ाव है जिसमें भारत इस मुश्किल घड़ी में टर्की के साथ है। और इंडियन आर्मी की 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल की टीम टर्की में तैनात है जो लोगों की जान बचा रही है। मेडिकल उपचार के साथ साथ लोगों को हर तरह की सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस समय भारतीय सेना के 60 पैराफील्ड रेजिमेंट के इस हॉस्पिटल में हैं जो कि स्कांदरू में तैयार किया गया है। यहां पर लाइदा है जो कि 72 घंटे के बाद डेब्री के अंदर से निकाला गया है। सर्च एंड रेस्क्यू रिलीफ टीम यहां पर पहुंची और फिर उसके बाद बेहद मुश्किल हालात में लाइदा को बाहर निकाला। यहां पर जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की टीम है वो इनको देख रही है। क्या नाम है, व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट वाज हर सिचुएशन, वेयर शी वाज एंड हाउ शी वाज इवैक्यूएटेड। माय नेम इज किब्रा एंड आई एम हियर एज अ वॉलंटियर ट्रांसलेटर एंड वी आर हेल्पिंग फॉर द डॉक्टर्स एंड द पेशेंट्स टू। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कम्युनिकेट एंड द टर्किश मेडिकल्स ब्रॉट हर हियर दिस आफ्टरनून एंड शी वाज अंडर द बिल्डिंग्स फॉर 80 आवर्स more than 80 hours and she's such a survivor and right now she's okay. They checked everything and right now we need to transfer her to the to another hospital. Can we talk to her, is she awake? Yes, you can. Yeah, you can. Lada, are you all right? Yes. Where you were, you are under the debris. Yes, I what was the situation and where you were? I heard some rollers inside the crack and I had some hope for some reason, but they were just went the other way, then I lost my hope as well. But hours and hours later someone came for our help, then we got rescued. You are in the Indian इंडिया टीवी, हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।